व्यापार से संबंधित में जुलूस में शोभा यात्रा मोहनों की बात करें तो अब तक के जो जुलूस थे वो सफल संपन्न हो गए हैं और इसमें पूरा पूरे फोर्स ने पूरा मिस्टरी के साथ अपना लगे रहे हैं। हमारी पी ए सी की कंपनी है, हमारे आर ए एफ की कंपनी है, इसके अलावा हमारा आज ए टी एस के कमांडो भी यहाँ पर सुरक्षा के लिए आए थे और तो सभी चीज़ें जो हमने जो हमारा ड्रोन स्क्वाड है और हमारे इंटरसेप्टर मोबाइल से जो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाती है और इस तरह के जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं सभी अपना भैया ड्यूटी करते हैं जुलूसों को सफल संपन्न करवा रहे हैं और हम लोग पहले भी अलर्ट थे और अभी भी अलर्ट हैं और इसी में भी जो आयोजन होंगे उनके भी पूर्णतः अलर्ट है। सर इस बार कुछ अलग सुरक्षा रखी गई थी, कुछ पुलिस कर्मियों के वर्दी पे भी कैमरा लगा हुआ था, तो सर किस तरह से इसको अरेंज किया गया और क्या था? ये जो सिटी में दो चीज़ें विशेष तौर से हम लोग कर रहे हैं किसी भी आयोजन में जो मोटरसाइकिल मोबाइल्स होती हैं जगह जगह गलियाँ होती हैं तो मोटरसाइकिल मोबाइल्स का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो बॉडी वॉर्न कैमराज होते हैं इनको भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं पर होती है तो इनका बड़ा डिटरेंट इफेक्ट होता है, बड़ा एक असर होता है कि सामने वाला जब देखता है कि लगातार मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है तो अराजक तत्व जो है वो अलर्ट हो जाते हैं और अपना पीछे हट जाते हैं तो इस तरह के काम किए गए। इसके अलावा ड्रोन भी हम लोग लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे जिससे छतों की निगरानी हो जाती है कि उसके रूप में उससे पहले हम लोग ड्रोन चलवा देते हैं और ये जो हमारी मोटरसाइकिल मोबाइल्स हैं जो हमने उसकी उनको जुलूस के रूप में करवा देते हैं और छतों पर जो रूफ टॉप ड्यूटीज होती हैं उनको भी प्रकाश के लिए हम लोग टॉर्च वगैरह देते हैं तो वहीं से वो लाइट अपना चमका के फ्रेश चारों तरफ निगरानी करते हैं। इस पूरे का जो मकसद होता है वो ये होता है कि सुरक्षा का माहौल एक सुरक्षा का एहसास हम लोग कराया जा सके और पुलिस और प्रशासन मिलकर जो भी बेहतरीन व्यवस्थाएँ हो सकती है किसी आयोजन के लिए वो मदद कर सकें।